हमारे साथ। तो हम किस तरफ चल रहे हैं? गुरुकुल डे 5, गुरुकुल डे 5। तो सर पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट हूज एंगल बिटवीन देम विल बी 60 डिग्री या विल बी 90 डिग्री, विल बी 90 डिग्री फ्रॉम अ रेडियस ऑफ सर्प 5 सेंटीमीटर। अब अगर सर अपन आपसे बात करेंगे, सर आप किस तरफ जाना चाहते हो? मतलब तो बातें तो बहुत सारी हैं, फिर भी अगर आप मुझसे बोलो तो मैं उस चीज को भी समझाना चाहूंगा आपको कि सर इस क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले तो मैंने देख, इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक सर्कल बनाना है सर, ठीक है? कितने रेडियस का? 5 सेंटीमीटर का क्या बना लो सर्कल? सर 5 सेंटीमीटर क्या बना लो अगर अपन लेके चले तो? सर ठीक है, अगर आप बोलोगे तो हम आपसे बात करके 5 सेंटीमीटर क्या बना लिया सर्कल, ठीक है? अब सर क्या चाहिए? देख यार, अगर तुमको टेंजेंट का आपस में एंगल 90 चाहिए, क्या चाहिए आपस में, तो तुमको फिर सेंटर पे भी एंगल कितना चाहिए रहेगा? 90, क्योंकि आपको पता है कि याला एंगल और याला एंगल कितना 180। तो सर कहीं ना कहीं मैं एक रेडियस खींच रहा हूँ, अगर तुम लोग अलाउ करो तो सर ऐसा रेडियस बना लो, ड्रॉ रेडियस ऑफ रेडियस कितना 5, फिर इस पे राउंडर की टिप रख के साथ में इसको ऐसा डी बना लो, क्या बना लो? डी। सर ठीक है, मतलब अच्छी बात है। अब राउंडर की टिप रख के अगर आप डी बनाओगे तो यहां से मोर देन हाफ एक आग काटो, वहां से मोर देन हाफ एक आग काटो, मतलब पूरे डी का ही मोर देन हाफ, डी का मोर देन हाफ मतलब यहाँ तक फिर डी का मेजरमेंट लेके एक आग काटो ऐसी, और यहां से भी उसी मेजरमेंट से एक आग काट दो ऐसी, तो कहीं ना कहीं यहां से दूसरा रेडियस निकल आएगा आपका, जो कि अल्टीमेटली यहां से अगर तुम नाम दोगे ओ ए और बी, तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा आपके पास? 90 डिग्री। अभी सर क्या करें, अगर एंगल ए ओ बी 90 डिग्री बना लो तो वापस से आपको पता है टेंजेंट टू रेडियस भी कितना होता है? 90। तो सर यहाँ पे एक डी बनाओ, किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से, राउंडर की हेल्प से, ठीक है ना? और सर यहाँ के पॉइंट से मोर देन हाफ लो, यहाँ के पॉइंट से भी क्या लो? मोर देन हाफ। तो सर यहाँ के पॉइंट से मोर देन हाफ, यहाँ के पॉइंट से मोर देन हाफ, जूम एक 90 जाने दो ए। सर क्या सेम चीज फिर से करनी है? हाँ, सेम चीज फिर से करते हैं। बी पे, बी पे राउंडर का टिप रखो, इसके ऊपर भी ऐसा डी बनाओ, फिर उस डी का मोर देन हाफ लो, उस डी का मोर देन हाफ लो, और फिर यहां से जूम, यहाँ पे कितना आ गया अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आ गया आपके पास, ठीक है? ऑटोमेटिकली सोचो कि आपने एथे कितना बनाया। सर एथे हमने बनाया 90, एथे भी आपने बना दिया 90, और एथे भी कितना बना हुआ है? 90। तो ऑटोमेटिकली जो बचा हुआ होगा वो भी कितना हो जाएगा? 90। तो क्या सर आपके एक्स ए एंड एक्स बी आर दी रिक्वायर्ड टेंजेंट? मैंने बोला हाँ यार, एक्स ए एंड एक्स बी आर दी रिक्वायर्ड टेंजेंट। आराम से करो, सिस्टमेटिक करो, कभी आपको भी अच्छा लगे। 1 अपॉन में ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में ए प्लस 1 अपॉन में बी प्लस 1 अपॉन में एक्स। फाइंड व्हाट? एक्स। तो 1 अपॉन में ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में ए प्लस 1 अपॉन में कितना? ठीक है, बात तो सही है। अब अगर एलसीएम ले लें तो एक्स माइनस ए प्लस बी प्लस एक्स दिस होल एक्स इनटू ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन
यहाँ पे अगर एलसीएम ले तो सर बी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, ए प्लस बी अपॉन में कितना ए बी, ए प्लस बी अपॉन में ए बी। सर कहीं ना कहीं यहां से एक्स और यहां से एक्स कैंसिल हो चुका है, मैंने बोला हाँ कैंसिल हो चुका है, बी माइनस माइनस कट जाएंगे। सर व्हाट वी आर अप टू, माइनस ए प्लस बी अपॉन में, अगर इसको पूरा खोल ले तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर अपन देखे तो ए प्लस बी अपॉन में कितना ए बी। सर पूरे क्वेश्चन को अगर देखें तो कहीं ना कहीं ए प्लस बी से ए प्लस बी गेट कैंसल, ये माइनस ए बी चला जाएगा उधर, माइनस ए बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, या मैं बोलूं ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू कितना जीरो। तो ठीक है, मतलब अब बच्चे अगर मुझे बोले हैं कि मैं इन इसकी और इसकी जोड़ी बनाना चाहता हूं और इसकी जोड़ी बनाना चाहता हूं, तो सर आप चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं कि अगर आप इसको ऐसा लिखे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी लिख लें, तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, एक्स ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स प्लस ए, यहां से अगर अपन ने बी कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आ सकता है एक्स प्लस ए विच इज इक्वल टू वॉट जीरो। तो सर अगर अपन देखें और सिस्टमेटिक समझें तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू वॉट जीरो। तो सर कहीं ना कहीं x इज इक्वल टू माइनस ए या x इक्वल टू कितना माइनस बी, इसका आंसर आना चाहिए। सर क्या ये क्वेश्चन टफ था? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा। हाँ लेकिन जो इसकी स्टेप वन थी वो एक अच्छी ध्यान रखने की है, स्टेप टू ध्यान रखने की है और स्टेप थ्री ध्यान रखने की है। यहां से तो क्वेश्चन स्प्लिटिंग था मिडिल टर्म, ट्राई करो समझो स्टेप बाय स्टेप करो, नहीं चले अगर आपको एट टर्म गिवन है तो सर गेम तो चलेगा कि एट टर्म ऑफ एन एपी इज ए प्लस सेवन डी इज इक्वल टू कितना 82, ए ऑफ 12 इज व्हाट ए प्लस 11 डी इज इक्वल टू कितना 06। ठीक है एट टर्म कैसे निकलती है, मतलब दोनों इक्वेशन क्या करना माइनस, अगर अपन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लें दोस्तों तो क्या ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यस 7d माइनस 11d कितना हो जाएगा माइनस 4d इज इक्वल टू व्हाट माइनस 24, और सर d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अब अगर सर d 6 आ गया तो हम क्या करें, a प्लस 7 इंटू d की वैल्यू पुट कर, d की वैल्यू कितनी है 6 is equal to कितना 82, तो a plus 42 is equal to कितना दोस्त 82, तो सर a is equal to कितना आ जाएगा 40, a is equal to कितना आ जाएगा 40। अब अगर तुम्हारे पास a is equal to 40 आ गया तो अब तुझे क्या निकालना है, दो निकालना होगा। सर देखो अगर आप इसमें फिर 9th टर्म निकाल ली तो a of 9 के लिए अपन क्या करेंगे a plus 8d, मतलब आप ए की जगह पे लिख दो 40। हाँ ये ए ऑफ एन है, ये एस ऑफ एन है, ये एस ऑफ टेन है, ये ए ऑफ नाइन है, मैं पहले ए ऑफ नाइन से करूँ, ठीक है ना, तो 40 प्लस 8 इंटू 6 तो शायद 88 आ जाए दोस्तों। सर अगर आपने बोला है कि एस सम ऑफ 10 टर्म्स, चल ठीक है सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है तो अपन करेंगे क्या, ये ले एस ऑफ 10 इज इक्वल टू कितना 10/2, 2 into A, बता 2 into A कितना है 40, 2 into A कितना हो गया 40 plus 10 minus 1 into कितना D, that is कितना 6, it would be 5 bracket में 80 plus कितना 54। तो सर कहीं ना कहीं अगर अपन देखें तो जो भी इसको multiply करके आएगा 5 into 134, that is 670 शायद मुझे लग रहा है, तो sum to 10 terms क्या हो जाएगा 670। ठीक है सर ये भी अच्छा था, मैंने बोला हाँ मतलब अच्छा ही था। अब अगर आपको a of n निकालना है तो बताओ a of n का फॉर्मूला क्या होता है,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तुम्हारा ए कितना है 40, एन माइनस वन इंटू कितना 6, 40 प्लस 6 एन माइनस 6, तो ये 40 माइनस 6 कितना होगा 34 प्लस कितना 6 एन। तो सर क्या ये आपका ए ऑफ एन भी निकल गया? मैंने बोला हाँ यार, ये मेरा क्या निकल गया ए ऑफ एन। सर लेकिन अभी आपको एस ऑफ एन भी निकालना है, ठीक है, एस ऑफ एन का फॉर्मूला होता है एन बाय टू ए प्लस ए ऑफ एन। तो सर अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एन बाय टू और ए कितना है 40 प्लस 34 प्लस कितना 6 एन। सर ये बात भी सही है, मैंने बोला हाँ बात तो सही है दोस्तों, अगर तुम लोग अलाउ करो तो क्या इसको लिख सकते हैं एन बाय टू 40 प्लस 34 इज व्हाट 74 प्लस 6 एन। चाहो तो 2 कॉमन ले लो, 2 बाहर कट जाएगा, एन ब्रैकेट में आ जाएगा 37 प्लस 3 एन, क्योंकि 2 बाहर आके कट गया। यहां पे अगर अपन लेके चले तो 2 में पहले कितने प्लस हुए, 0 में कितना प्लस हुआ 2, 2 में 5 प्लस करोगे तो कितना आएगा 7, 7 में 7 प्लस करोगे तो कितना आएगा 14, 14 में 6 प्लस करोगे तो कितना आएगा 20, और फिर लेस देन 100, तो 20 में कितना प्लस करोगे 4, तो 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24। तो सर ये आपने लेस देन के लिए बना दिया, मैंने बोला हाँ। अब उल्टा लिखना शुरू करना यहाँ पे मोर देन के लिए, मोर देन अगर अपन बात करें मोर देन जीरो, तो सर मोर देन जीरो सारे बच्चों के मार्क्स आए होंगे ना, मतलब 24 टोटल बच्चों के जीरो से ऊपर ही आए होंगे, मैंने बोला हाँ ये बात तो सही है। सर अगर हम आपसे ही बात करें मोर देन 20 की, तो 24 में से 2 माइनस कर, 24 में से क्या माइनस कर दो 2, तो 22। सर जैसे ही आप हमसे बात करोगे मोर देन 40 की, तो आप 22 में से 5 माइनस दैट इज कितना 70। फिर अगर मैं बात करूं मोर देन 60 की, तो 17 में से 7 माइनस कर दो ये 7, तो 17 में से कितने गए 7, क्योंकि यहाँ पे 7 फ्रीक्वेंसी है, तो बच कितने गए यहाँ पे 10, ठीक है क्या। सर फिर अगर हम आपसे बात करें मोर देन 80 की, तो सर 10 में से कितना माइनस कर दो 6, अरे 10 में से कितना माइनस कर दो 6, तो कितना आ जाएगा 4। और सर हम आपसे बात करें मोर देन 100 की, 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा। सर क्या ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है? नहीं बेटा, ये तो अपन ने टेबल बनाया, अब इससे अपने को क्या बनाना पड़ेगा दोस्त, हो जाएगी इससे अपने को क्या बनाना पड़ेगा अगर अपन लेके चले और सिस्टमेटिक लेके चले। सर ठीक है, कहीं ना कहीं अगर अपन ओजाइव की तैयारी करें तो आप लोगों को भी मेरे साथ ऐसे ग्राफ की तैयारी करनी चाहिए, जो मैं बनाना चाहता हूँ तो आप भी बनाएंगे। तो सर 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 80 और 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, अगर तुम लोग अलाउ करो तो 5-5 की स्केल ले लूँ अगर सही लगे तो, या 6-6 की चाहो तो ले ले, तो 5, 10, 15, 20 और 25। अब बताओ लेस देन प्लॉट कर रहे हो, तो लेस देन के लिए मुझे ये वॉयलेट कलर अच्छा लगा, ठीक है ना। लेस देन जीरो तो कितना था 0, ध्यान रखना लेस देन जीरो कितना था 0। सर लेस देन 20 इज 2, तो लेस देन 20 इज 2 मतलब यहाँ। सर लेस देन 40 इज 7, तो 40 के टाइम पे अपने को कहीं 7 पे जाना है, तो 7 यहाँ पे रहेगा। लेस देन 60 पे कितना था 14, तो लेस देन 60 पे अपने को 14 तक जाना है, तो ये यहाँ पे रहेगा। लेस देन 80 इज 20। सर ये लोग बोल रहे हैं ये वाला पार्ट नहीं आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, फिर देख लो एक बार कि लेस देन 124, ये ऐसा लेस देन हो जाए क्रिएट होता है, ठीक है। अगर मोर देन का प्लॉट करना हो तो सर मोर देन के लिए क्या करेंगे अपन, मोर देन जीरो इज 24, तो मोर देन जीरो इज
24 मतलब ये रहा आपके पास 24, यहां से मोर देन 20 इज व्हाट 22, तो मोर देन 20 इज 22 कहीं यहां पे, मोर देन 40 इज 17, सर वो कहीं यहां पे रहेगा 40 वाला, मोर देन 60 इज 10, मोर देन 80 4 एंड मोर देन 100 इज 100. सर क्या ये आपका मोर देन ग्राफ है? मैंने बोला हाँ. क्या ये आपका लेस देन ग्राफ है? हाँ. सर जहां से ये लोग मिलते हैं, जिस पॉइंट पे ये लोग मिलते हैं, उससे अगर सीधी डंडी नीचे खींची जाए तो वो अप्रोक्स आपका मीडियन आता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये नीचे प्रकट होगा वो मीडियन होगा, और वो मीडियन अप्रोक्स 53 या 54 के आसपास होगा. एक बार आप ग्राफ पे समझाएं.